हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बनाएंगे मैंगो केक। बहुत ही सिंपल है और बहुत ही खाने में टेस्टी बनेगा और एकदम यूनिक रेसिपी है। और इसमें ना ही आपका कंडेंस मिल्क जाएगा, ना ही दही जाएगा, ना ही एग जाएगा और बहुत ही आसानी से बनेगी। बहुत सिंपल रेसिपी है लेकिन उतनी ही स्वादिष्ट भी है और मैंगो का फ्लेवर भी अमेजिंग है। यहाँ पर कोई फूड कलर ऐड नहीं है, सिंपल मैंगो का अपना ही एक येलो कलर इसमें आया है। तो चलिए इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर लिया है 1/4 कप मिल्क और 1/4 कप मैंगो प्यूरी। तो ये कैमरा ऑफ हो गया था तो इसीलिए रिकॉर्ड नहीं हो पाया। अब इसमें घी डालना है। आप चाहो तो ऑयल ले सकते हो, बटर ले सकते हो। और ऑयल अगर आप लोगे तो कोई ज़्यादा स्मेल वाला मत लीजिएगा, कोई फ्लेवरफुल ऑयल मत लीजिएगा जिसमें कि स्मेल नहीं हो, रिफाइंड ऑयल ही लीजिएगा। तो यहाँ पर देखिए, इसमें 1/4 कप मैंने घी ऐड किया है। आप अपने चॉइस के अनुसार इसमें बटर या ऑयल ऐड कर सकते हो तो कोई दिक्कत नहीं है। तीनों चीज़ों को एकदम मिक्स कर देना है, बिल्कुल एक जान कर देना है हमें मिक्स करके। और इसमें फिर जाएगा हमारा चीनी। तो चीनी यहाँ पर मैंने चीनी नहीं लिया, मैंने देसी खांड लिया है। तो इसमें क्या है कि थोड़े से इसके मोटे मोटे से टुकड़े हैं क्योंकि रखी रखी जम जाती है, तो इसको मैंने छान लिया है। मुझे आइडिया है कि कितना जाएगा ये हाफ कप में, तो उसी हिसाब से मैंने इसको और डाल दिया है थोड़ा सा। आप अलग से इसको छान करके फिर मेज़र कीजिएगा या फिर आप पाउडर शुगर ले लीजिएगा। मिश्री को भी आप पीस करके ले सकते हो। सारी चीज़ें जाएंगी इसमें 1/2 कप। तो ये बेसिकली हम जो लिक्विड इंग्रेडिएंट्स हैं उनको एक बाउल में ले रहे हैं, जिसमें कि लिया है मैंगो प्यूरी, मिल्क, शुगर और घी। तो इनको अच्छे से मिक्स कर देना है, बिल्कुल एक जान कर देना है इनको। और इस बैटर को हम रखेंगे अलग। अब एक इसी के अंदर हम इसको मिक्स करेंगे, इसमें ड्राई इंग्रेडिएंट्स। तो सबसे पहले इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। तो यहाँ पर मिक्स हो गया। अब लिया मैंने 1 कप मैदा। देखिए, आप अगर थोड़ा बड़ा केक बनाना चाहते हो तो यहाँ पर सारी चीज़ों को डबल कर दीजिएगा क्वांटिटी, तो आपका थोड़ा सा बड़ा केक बन जाएगा। तो यहाँ पर 1 कप लिया है मैंने मैदा। और मैदा आपको कौन सा लेना है, पैकेट वाला लेना है, ऐसे ही कोई भी खुला लूज़ वाला मत लीजिएगा। तो यहाँ पर 1 टीस्पून के करीब गया है बेकिंग पाउडर और इसमें बेकिंग सोडा मैंने 1/4 टीस्पून डाला है और बिल्कुल पिंच और डाल दिया है। तो यहाँ पर बेकिंग सोडा, बेकिंग पाउडर और अब डाला है मैंने इसमें 2 टेबलस्पून मिल्क पाउडर। मिल्क पाउडर से क्या है कि टेस्ट थोड़ा सा अच्छा आ जाता है। ऐसा नहीं है कि आप मिल्क पाउडर नहीं डालोगे तो आपका केक बनेगा नहीं, तब भी आपका केक बहुत अच्छा बनेगा। आप बना करके देख सकते हो और चाहोगे तो आप मुझे बताना, मैं बिना मिल्क पाउडर के भी आपको आपके साथ रेसिपी शेयर करूँगी। तो और इसमें 1 स्पून जाएगा, टीस्पून जाएगा इसमें कॉर्नफ्लावर। तो यहाँ पर इन चीज़ों को मिक्स कर देना है। और इसमें हमने टूटी फ्रूटी और जो ड्राई फ्रूट लिए हैं उसमें 1 चम्मच मैदा डाल करके कोट कर देंगे उसको, और ये इसी में छान देंगे हम बाकी मैदा उसका, टूटी फ्रूटी का। तो पहले इसको अच्छे से छान लेंगे। आप चाहो तो अलग से छान करके ले सकते हो, 2 बार छान लीजिए या फिर इसमें ऐसे ही छान करके आप थोड़ा सा अच्छे से मिक्स कीजिएगा। छाना बहुत ज़रूरी है इन चीज़ों को, क्योंकि कई बार क्या होता है कि कोई छोटा मोटा लम्स होता है और छानने से क्या है कि ये थोड़ा सा हल्का हो जाता है, तो इसीलिए इसको छानना ज़रूरी है। अब जो हमने इसको कोट किया था ड्राई फ्रूट को, वो मैदा भी इसी में छान करके डाल दी है, तो हमारा मैदा भी वेस्ट नहीं हुआ और सारा चीज़ें भी कंप्लीट हो गई है। और मैंने यहाँ पर देखिए केक टिन में सिर्फ बटर पेपर लाइन अप किया है और कुछ भी नहीं लगाया है, ना उसको ग्रीस किया है ना कुछ, और सिंपल छोटा सा एक बटर पेपर काट करके उसके नीचे लगा दिया है। अब इसको मिक्स करना है अच्छे से। तो यहाँ पर विस्कर से मैं मिक्स कर रही थी, तो सारा क्या है कि अभी ज़्यादा ये लिक्विड नहीं है तो सारा इसी के अंदर घूम घूम के रुक रहा था, तो मैंने यहाँ पर स्प्रेचुला लिया है जिसकी हेल्प से ये अच्छे से मिक्स हो जाएगा। आपको एक ही डायरेक्शन में इसको मिक्स करना है, क्लॉक और एंटी क्लॉक वाइज नहीं करना है, सिर्फ सिंपल एक डायरेक्शन में कीजिए, किसी भी साइड से कीजिए। तो या फिर आप कट एंड फोल्ड मेटर से भी इसको कर सकते हो फोल्ड मिक्स। और यहाँ पर जाएगा 2 टेबलस्पून मिल्क। तो यहाँ पर अभी मैंने 1 टेबलस्पून डाला है। मे बी हो सकता है आपकी जब आप बना
जब आप बनाओ तो थोड़ा ज़्यादा भी लग सकता है, वो आप कंसिस्टेंसी देख करके आइडिया लगा सकते हो। अभी मैं आपको दिखाऊंगी। देखिए ये हल्का सा अभी मुझे थोड़ा सा थिक लग रहा है, तो मैं इसमें एक टेबलस्पून और ऐड करूँगी। तो कुल मिला के मेरा एक हाफ कप, सॉरी हाफ कप नहीं, 1/4 कप प्लस 2 टेबलस्पून इसमें मिल्क गया है। आप देख लीजिए, इसमें शायद आपका 2 के बजाय 3 टेबलस्पून चला जाए। तो आपको इस तरह से इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है। अब आप चाहो तो यहाँ पर आप थोड़ा सा फूड का ये कलर या फिर एसेंस डाल सकते हो, लेकिन कोई इतनी नीड नहीं है क्योंकि हमने अच्छे से पल्प ऐड किया है, तो उससे कलर भी आया है और फ्लेवर भी। तो यहाँ पर बस थोड़े से अब चेरी जो हमने ली थी शुरू में उनको थोड़ा सा मिक्स कर देंगे। बहुत ही टेस्टी लगेंगे इसके साथ, बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। और यहाँ पर देखिए मैंने सिर्फ बटर पेपर लिया है और अब इसको बैटर को इसमें ऐड कर देंगे। सारा बैटर इसमें डाल देंगे अच्छे से स्क्रैप करके और इसको एक बार अच्छे से इसको टैप कर लेंगे। तो स्प्रेचुला से एकदम सारा इस तरह के स्प्रेचुला जो होते हैं तो उससे आपका जो है अच्छे से क्लीन भी हो जाता है और पूरा स्प्रेड भी हो जाता है इससे अच्छे से। तो ये देखिए सारा निकल गया है हमारा, और इसको अच्छे से एक बार स्प्रेड सा करके पूरे उसमें फैला देंगे और थोड़ा सा इसको ऊपर से गार्निश कर देंगे जो हमने ड्राई फ्रूट टूटी फ्रूटी जो भी लिया था सबसे। और इसको अच्छे से एक बार टैप करके फिर हम इसमें ओवन में 180 डिग्री पर इसको प्री हीटेड ओवन में 25-30 मिनट्स तक बेक करेंगे। तो बेकिंग टाइम जो है आपके ओवन के अकॉर्डिंग होगा। मैंने इसको कन्वेक्शन मोड में किया था, तो यहाँ पर देखिए कि बिल्कुल अच्छे से बना है। और एक नाइफ़ डाल करके आप इसको चेक कर सकते हो। अब तो अभी बहुत गर्म है तो मैं इसको पकड़ नहीं पा रही हूँ, तो मैंने किस कपड़े की हेल्प से इसको निकाला है। तो देखिए कितना अच्छे से बेक हुआ है, और बटर पेपर को निकाल देंगे तो कितना अच्छे से देखिए कलर कितना बढ़िया निकल करके आया है। और अब इसको पलट करके ये देखिए बहुत गर्म है अभी, तो पकड़ा भी नहीं जा रहा है। अब इसको कट करके मैं आपको दिखाती हूँ, बहुत टेस्टी बना है ये। जब भी आप बनाओगे चुटकियों में ख़त्म होने वाला है। तो ये देखिए बहुत ही स्पंजी और बहुत टेस्टी। तो आप भी इस केक को बनाइए, और कैसा बनाए मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। कोई आपके सवाल हो तो वो भी ज़रूर पूछिएगा, मैं आपका आंसर करूंगी। तो चलिए फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में, तब तक कीप वॉचिंग।